सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस, आज है 15 जून और अब बचे हैं सीजन में मात्र 28 डेज़। सो गाइस, अपन अप्रोक्स 30 डेज मान के चलते हैं। एंड काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था MTS का एंड 13 जून को, तो एग्ज़ाम ओवरऑल मेरा बहुत ही अच्छा गया। एंड गाइस, पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं आ रहा, क्योंकि कई तरह बंदे ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ईजी आ रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है एंड कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के हैं, तो आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। सो गाइज, अब बचे हैं अप्रोक्स 30 डेज मान के चलते हैं। सो लास्ट के 30 डेज मुझे उन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। पहला ये, जैसे एडवांस मैथ हो गया, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। एंड दूसरा ये कि जो पोर्शन मेरा बहुत ज़्यादा वीक है उन पर भी मुझे काम करना है। सो अपन आज से स्टार्ट करते हैं डे 1 से। सो मुझे आज जो जो टॉपिक लर्न करने हैं एक बार मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे मैथ में एलजेब्रा कंप्लीट करना है, अप्रोक्स 65 क्वेश्चन। एंड उसके बाद मुझे इंग्लिश में क्लोज टेस्ट और प्लस एरर के 15 से 20 क्वेश्चन मुझे लगाने हैं। देन वॉइस कंप्लीट करना है, लर्न करना है। एंड उसके बाद वॉकेब में सिनोनिम्स, वन वर्ड और एडियम्स मुझे आज लर्न करना है तीनों। एंड उसके बाद रीजनिंग में मुझे सीरीज में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि सीरीज से 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं सीजीएल में, तो उसमें क्या होता है कि 2 बन गया या फिर 1 नहीं बन पाया या ज़्यादा टाइम लग गया, तो ऐसी दिक्कतें आती हैं। सो मुझे रीजनिंग में ना सीरीज पर डे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करने हैं। देन उसके बाद मुझे ज्योग्राफी का एक टॉपिक रिवर लर्न करना है, उसके बाद हिस्ट्री में हरप्पा चैप्टर लर्न करना है, और सबसे लास्ट में मुझे मॉक देना है और उसका प्रॉपर अच्छे तरीके से उसका एनालिसिस करना है। सो गाइस, अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के टॉपिक। भारत की नदियाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे मैंने मैप को ड्रॉ कर रखा है। मैप से फ़ायदा ये होता है कि चीज़ें बहुत जल्दी याद होती है। अगर आपको रिवाइज करना है तो एक बार फटाफट मैप देखो और चीज़ें बहुत जल्दी रिवाइज हो जाती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। मैं आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमेंट में आंसर करना। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? फिर से बोल रहा हूँ, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? अगर आपको पता है तो आप लोग आंसर कमेंट में ज़रूर करना, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि माजुली द्वीप, आपने नाम सुना होगा, तो वो किस रिवर पे सिचुएटेड है? तो आपको पता है तो यार, तो मैं चलो आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से आते ही आते हैं। सो फाइनली जो है अपना ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है। सो इसके बाद अपने को मैथ का टॉपिक यानी कि एलजेब्रा सॉल्व करना है, और इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है सर की बुक में। एंड मैंने 65 क्वेश्चन कल ही लगा लिए थे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने टिक भी कर रखा है। एंड जो जो क्वेश्चन मेरे को नहीं हुए वहाँ पे उसे मैंने छोड़ दिया है, इसे मैं बाद में करूँगा। तो कुल मिला के मेरे को ऐसे 5-6 क्वेश्चन थे जो नहीं हुए 65 में, ये मैंने कल ही कर लिए थे, ठीक है। एंड टोटल 150 क्वेश्चन, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। एंड सर की बुक में टोटल 1500+ क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बुक है। एंड फाइनली अपना ये टॉपिक तो मैंने अपना कल ही कंप्लीट कर लिया था। एंड आज का जो अगला टॉपिक है वो है आपको इंग्लिश ग्रामर। इसमें आज का जो मतलब जो मुझे लर्न करना है वो है वॉइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, अगर आपने मॉक दिया होगा, ठीक है, तो आपको पता होगा यार 2 क्वेश्चन तो कहीं नहीं है, यहाँ से आने ही आने हैं, मतलब 4 मार्क्स के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि देखो, मेरा एग्जाम तो हो गया 13 जून को, आप में से कई ऐसे होंगे जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जिनका एग्ज़ाम 14 या फिर 15 को हो गया होगा, तो मुझे लेवल जानना है, क्योंकि मेरे टाइम पे ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इजी आया था। हाँ, कुछ क्वेश्चन इजी थे लेकिन कुछ क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक था, तो मेरे को ये जानना है कि अब लेवल कैसा आ रहा है, ठीक है। सो फाइनली आज का जो टॉपिक था यानी कि वॉइस, वो अपना हो चुका है कंप्लीट। अब अपने को लर्न करना है हरप्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन यहाँ से MTS में क्वेश्चन नहीं आया था, क्वेश्चन आया था बौद्ध धर्म से, ठीक है, वो मैं देख के गया था तो क्वेश्चन मैंने कर लिया। एंड बात करें इस टॉपिक की, तो यहाँ से क्वेश्चन सीजीएल में आ भी सकता है और नहीं भी, बट अपने को सारा कवर करना है क्योंकि कुछ भी हो सकता है एग्ज़ाम में, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, सो अपने को फटाफट इसे कंप्लीट करना है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो मुझे 2 दिन इसमें देने पड़ेंगे। देन उसके बाद फिर वेद, महाजन, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, सो कई सारे टॉपिक है। टोटल एंशियंट हिस्ट्री की बात करो तो इसमें टोटल 10 टॉपिक हैं, 10 चैप्टर हैं। सो मुझे वो सारा कुछ कंप्लीट करना है एग्जाम से पहले पहले। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट, अब मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। अब अपने को लर्न करना है वोकैब सेक्शन यानी कि ब्लैक बुक से। अच्छा देखो, मेरे पास जिस एडिशन की बुक है ना उसमें टोटल सिनोनिम्स के 1217 क्वेश्चन है, एडियम्स के 1404 क्वेश्चन है, और वन वर्ड के 1452 क्वेश्चन है। तो ये तीनों मुझे ऑलरेडी लर्न हो रखे हैं, इसको मैंने 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया है। अब एक बार मैं रिवाइज करूँगा एग्ज़ाम से पहले पहले, तो अभी ना, अच्छा अगर आपके पास बुक होगी तो आपको अच्छे से पता होगा, मतलब जैसे आपने मान के चलो 1500 समथिंग आपने याद कर लिया, तो उसके बाद ना यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी दिया होता है टोटल 30 या फिर 25 ऐसे करके। सो मुझे आज से वो लर्न करना है, मतलब पर डे 1 या फिर 2 जैसे मेरे को ठीक लगे। सो अपने को सबसे पहले स्टार्ट करना है वन वर्ड से, उसके बाद फिर एडियम्स का याद करना है, देन सबसे लास्ट में सिनोनिम्स का। सो गाइस, जब सीजीएल में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं एंड आई होप आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी।
सो गाइज मैं ये कह रहा था कि अगर आपको कोई सा भी डाउट हो, ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वो एक ग्रुप है, उसमें कई सारे बंदे ना, मतलब अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, रीजनिंग का हो गया, मैथ का हो गया, तो वहाँ पे वो सेंड करते हैं, उसको सॉल्यूशन मिल भी जाता है। सो फाइनली आज का ये टॉपिक हो गया है अपना कंप्लीट। अब अपने को कंप्लीट करना है रीजनिंग का टॉपिक, यानी कि सीरीज़। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसमें कई सारे पैटर्न्स आपको ध्यान में रखने होते हैं, जैसे प्राइम नंबर का गैप हो गया, या फिर ऑड का गैप, इवन का गैप हो गया, नॉर्मल गैप हो गया, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। तो ऐसे कई सारे पैटर्न्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। सो अपने को बस मुझे वहीं एक बार देखना है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है। सो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी देखना है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको भी एक बार देखते चलना है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मतलब रीजनिंग का सबसे हार्ड टॉपिक कौन सा लगता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए सबसे हार्ड जो टॉपिक है वो है आपको सीरीज़। जैसे किसी किसी को मेरे ख्याल से कैलेंडर टॉपिक लगता होगा हार्ड, या फिर क्लॉक, या इसके अलावा आपको सेटिंग अरेंजमेंट हार्ड लगता होगा। सो गाइस फाइनली जो आज का टॉपिक था, यानी कि सीरीज, वो हो गया है कंप्लीट। अब मुझे बस मॉक देना है, तो मॉक मैं बाद में दे दूंगा। एंड गाइस वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।